सो रहा है भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेआर स्ट्रीम में। मैं आपका भाई आरकेआर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई आज मैं बैठा हूं गाड़ी के अंदर और इंट्रो मैं आज ही कर रहा हूं। क्यों भाई? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है भाई। मैं लोकेशन पे कल जाऊंगा पर इंट्रो अभी कर रहा हूं भाई, क्योंकि जस्ट मेरे पास में एक कॉल आई है मेरे होम टाउन से 200 किलोमीटर दूर। वहां पर मेरे कोई सब्सक्राइबर है, आई थिंक अपनी यूट्यूब फैमिली के कोई मेंबर है, उन्होंने ही मेरे को कॉल किया है कि आरकेआर भाई हमारा एक मकान है वो विजिट करने आओ आप। तो मेरे को भी सबसे पहले तो अजीब सा लगा, हालांकि उनके कॉल मैसेज बहुत टाइम से आ रहे थे पर मैं इग्नोर कर रहा था यार, चलेंगे 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 ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत दूर का प्लान था पहले। तो भाई अभी जस्ट मेरे पास में कॉल आई और मैंने कट करके ही हैंड टू हैंड कैमरा स्टार्ट कर दिया भाई। दोस्तों उनका एक मकान है जो नया बना है और कम से कम 100 गज के अंदर वो मकान है और इतना पैसा लगाया हुआ है उसमें, मतलब आंख बंद करके पैसा लगाया उस मकान के अंदर यार। हर चीज मार्बल, फर्नीचर, गेट, लाइट, एकदम मतलब है ना पूरा पूरा पैसा लगाया भाई वहां पर। पर भाई इतना पैसा लगाने के बाद में भी अगर वहां पर उस मकान के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी हो या कोई भूत, कोई प्रेत, कोई चुड़ैल का साया हो, फिर क्या होगा? अगर आपके साथ में ऐसा हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप कमेंट करके ये बताओ। मैं उसकी स्टोरी बताता हूं आपको कि उस मकान के अंदर ऐसा क्या है यार। वो मकान बोलते हैं कि कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, वहां पर पूरा जंगल था और धीरे 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 मकान बनने लग गए। पर वो जो मकान बना ना भाई, जब मकान बन रहा था ना तब बीच के अंदर बहुत सारी रुकावटें आई पर भाई इग्नोर कर दिया लोगों ने, मतलब उस मकान के मालिक ने इग्नोर कर दिया यार। हंसी खुशी का माहौल था भाई, एकदम सब फैमिली वाले सब एंजॉय कर रहे थे कि यार मकान बन रहा नया, और सभी जानते हैं कि फैमिली के अंदर कोई नया मकान बने तो सभी के चेहरे भाई खिले हुए रहते हैं कि भाई अपने मकान बन रहा है। पर आप ये गलती बिल्कुल मत करना भाई। मकान नया खरीद रहे हो, चाहे पुराना खरीद रहे हो, चाहे नया बनवा रहे हो, चाहे प्लॉट खरीद रहे हो, पहले उसकी अच्छे तरीके से जानकारी लो चारों तरफ से कि पहले यहाँ पर क्या है क्या नहीं था। कोई हो सकता है कोई शमशान हो सकता है कोई समाधि हो सकता है कोई कब्रिस्तान हो। तो भाई पूरा जांच पड़ताल करके ही मकान खरीदें, क्योंकि हो सकता है कि करोड़ रुपए लगाए हुए आपके बर्बाद हो जाए। तो भाई स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई की, छोटे भाई की इतनी सी बात मान लेना, हो सकता है आपकी फैमिली वाले कोई मकान खरीद रहे हो और उसके अंदर भूत प्रेत हो। तो भाई आज मैं इंट्रो दे रहा हूं और कल मैं जाऊंगा भाई उस मकान को शूट करने के लिए अकेला जाऊंगा, क्योंकि वहां पर दो ऑलरेडी वहां पर बंदे रखे थे पर वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जिन जिनको हायर किया था, जिन बंदों को रखा था ठीक है गार्ड के रूप में या कैसे भी ठीक है रखवाले के रूप में, उनके सीने पर कोई चीज ब्लैक सी कोई चीज थी जिन टाइप की, वो आके बैठ गई भाई। तो भाई मैंने जब ये सुना ना तो कसम से मेरा भी एक मन किया यार कि मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगा या हो सकता है कि दो तीन लोगों को लेके आऊं, पर भाई जिसने मेरे को कॉल किया ना उन्होंने बोला है कि आरकेआर भाई स्पेशली आप अकेले आना और इसमें रात पूरी रात विजिट करना, तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में मकान में क्या है। तो भाई यहां से मैं जाऊंगा कल ठीक है, और वीडियो तो हैंड टू हैंड स्टार्ट हो ही जाएगी। बाकी अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। जो भी नए हैं आपका प्यार आपका सपोर्ट भाई बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इतनी रात को ऐसी ऐसी जगह पर ऐसी ऐसी लोकेशनों पर हम जाते हैं और भाई इतना खतरा रहता है वहां पर, भाई हम खुद बयान नहीं कर सकते उन चीजों को।
क्योंकि हमारे को कभी कभी पूरी रात लग जाती है शूट के लिए। और भाई जिनकी आदत है भाई गंद काटने की, ठीक है, जिनकी आदत है कि बस जूठा खाना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना, करना कुछ नहीं है बस जूठा खाना है, तो भाई वो खाएंगे ही, उनको किसी का बाप नहीं रोक सकता भाई, ठीक है। स्पेशली मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ वो समझ गए होंगे भाई मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। और तो भाई बस इतना ही, अभी अब मिलते हैं सीधा उस मकान के ऊपर जहां पर वो भूत प्रेत का साया है उस मकान पर। ये आवाज किसकी आई है भाई? भाई सामने गेट बंद हुआ, तो दोस्तों मकान के अंदर एंटर हो चुका हूँ मैं, अकेला हूँ, ठीक है। और एक इस तरफ के अंदर ये रूम है, उस तरफ मैंने बंद कर दिया, पूरा मकान अबेंडेंड है, मतलब बंद है। और भाई 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 भाई, भाई। किसकी आवाज है? ये बच्चे के रोने की है क्या? भाई पूरा जो मकान है एकदम पूरा, गेट बंद हुआ भाई, ये गेट बंद हुआ है। कौन है, कौन है? वापस गेट खुला है यार, सच में ये मकान इतना हॉन्टेड है मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता था भाई। कौन है भाई? क्लियर क्लियर आवाज आ रही है यार इस तरफ के अंदर, ये बंद है भाई। पूरा सामान यहां पर पड़ा है भाई 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 भाई, गेट बंद हो रहा है, गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है भाई, बंद हो रहा है। ये देखो भाई, ये देखो इस जगह पर भाई, क्लियर क्लियर भाई क्लियर। ये क्या हुआ भाई? भाई वापस आ रहा, वापस आ रहा है, वो वापस आ रहा, यहां पर पड़ा था दोस्तों इस जगह पर, देखो भाई इसके कुछ भी। ये कौन है? मेरे को लगा यहां पर कोई है। वो भाई भाई अभी भी अभी भी हिल रहा है भाई। कौन है? ये अभी भी हिल रहा है दोस्तों। कौन है? ये बाथरूम है, उधर क्या है? भाई एक तो उस गेट की आवाज आ रही है ठक ठक ठक, और ये एक ये इस गेट के अंदर मूवमेंट हुई है, इस गेट के अंदर मूवमेंट हुई है। इसको बंद करने दो। ये क्या पड़ा है भाई?
कौन है? अगर जो भी आप है। ओ भाई भाई भाई, क्लियर क्लियर गेट के भाई, वो गेट खुल गया पूरा। भाई 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 गेट बंद हो गया वापस। कौन है? कौन है दोस्तों? इसकी ये आया है वहां से। कहां से आ रही है आवाज? ये कहां से आवाज आ रही है? कौन है इसमें? किसी ना किसी की चलने की आवाज है दोस्तों। भाई क्लियर क्लियर, कौन है यहां पर? अगर आप जो भी है मेरे सामने है, मेरे से बात करने की कोशिश करें। देखो मैं चाहता हूं कि आप मेरे से बात करें, मेरे को डराने की कोशिश ना करें। मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। आखिर आप क्यों परेशान कर रहे हो यहां पर? क्या आपको मोक्ष चाहिए? इस गेट में क्या है भाई? भाई लॉक लगा। कौन है? कौन है? अंदर से आवाज है। इसके लॉक लगा है यार, इसके नीचे क्या बंद कर रखा है इसको। सीढ़ियों से तो नहीं आ रहा कोई? ये किसकी आवाज है? भाई भाई क्लियर आवाज आ रही है यार। कौन है इसमें? कौन है? भाई ये कौन सो रहा है? ये कौन सो रहा है यहां पर? ये कौन सो रहा है भाई? भाई ये कौन सो रहा है यहां पर? कौन है? कौन है? ओ भाई 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 अंदर कोई था भाई, कोई औरत अंदर, अंदर कोई औरत है भाई। क्लियर मेरे को उसके बाल दिखे हैं भाई, उसके बाल दिखे हैं। अंदर कोई है, अंदर कोई है। भाई अंदर कोई है। ये कौन सो रहा है यार? ये कौन सो रहा है? कौन है?
कौन है? ये कौन सो रहा है यहाँ पर? गेट बंद हो गया वापस। यहां पे क्या था यार? ये भाई, ये बाल कौन है? कौन है सामने आए? आप जो भी है, आप जो भी है सामने आए। भाई कोई है रूम के अंदर? भाई रूम के अंदर कोई है? रूम के अंदर कोई है यार? कौन है आप? देखो गेट बंद हो गया वापस। गेट बंद हो गया भाई। मतलब जो भी चीज़ है मेरे को अंदर बुलाना नहीं चाहती है, और वो नहीं चाहती कि मैं इस रूम के अंदर एंटर हूँ। भाई डर के मारे मेरी हालत खराब हो रखी है कसम से। गेट खुल गया भाई। ये अभी गेट बंद था, कसम से गेट बंद था, ये अभी गेट खुल गया भाई। और वो डिब्बा भी अंदर पड़ा है। पूरा जो मकान है भाई, इसने सच में डरा दिया। मेरे को ऐसा लगा कोई ना कोई सो रहा है, कोई ना कोई यहाँ पर सो रहा है भाई। और एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो ये बिस्तर लगे हुए हैं ना, यहाँ पर दो बंदे रखे थे कि पता लगाने के लिए कि एक्चुअल में यहाँ पर है क्या। पर भाई रात कोई तोड़ के गया भाई। रात को जो बंदे सो रहे थे ना, उनकी छाती के ऊपर वो चीज आके बैठ गई थी यार। रूम के अंदर कोई है यार? यहीं से भाई लगातार कंटिन्यू एक्टिविटी हो रही थी भाई। वापस अब वापस आवाज आई भाई। दोस्तों इस रूम के अंदर मैं की तरफ हूँ मैं, और भाई इस रूम इसकी कहानी मैंने बता दी आपको कि कहानी क्या है। भाई कसम से बता रहा हूँ, आज तक इतना भूतिया जो मकान बोलते हैं ना, कसम से नहीं देखा। और लगातार मेरे को लग रहा है कि बार बार कोई है, बार बार कोई है, कसम से कोई दौड़ के गया भाई बाहर। कसम से बता रहा हूँ कोई दौड़ के गया बाहर। कौन है? भाई इस मकान से पीछे हटता हूँ मैं, और भाई इस तरफ जाता हूँ मैं। वापस 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 अब वापस आवाज आ रही है भाई। वापस आवाज आ रही है, क्लियर क्लियर आवाज आ रही है दोस्तों, क्लियर आवाज आ रही है यार। कौन है यहाँ पर? कोई ओ, 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 भाई सामने।